है सनम, परदेश नहीं होनाता हो गया मुझे प्यार, हिना देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ये दिल आशिकाना, अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह जो पल्लू गिरा दिया, परवाना शीन सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, लव के लिए कुछ भी करेगा, बहुत सारी फिल्म है आपकी दुआ से। और हम लोग जयपुर से बिलोंग करते हैं, वैसे हमारे पूर्वज मथुरा मेंडू की साइड के थे एक जमाने में, हमारी 7 पीढ़ी जयपुर में हो गई अल्लाह का शुक्र है, तो हम लोग इंडियन साबरी ब्रदर्स कहलाते हैं, और कम से कम 70 फिल्में हम लोगों ने गाई है आपकी दुआ से, और सब सुपर डुपर हिट है अल्लाह का शुक्र है, कि आज ये अनन्या फिल्म गाने का मौका मिल रहा है मुझे, और बहुत अच्छा कंपोजिशन है, पिक्चर अच्छी है, इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होगी, अल्लाह से दुआ है, बाकी जनता बेहतर फैसला करती है इस बात का। और ये गाना बहुत अच्छा लगा मुझे, साहिल रैयान साहब का म्यूजिक है इसमें, जिनके मैं पहले भी गाने गा चुका हूँ माशाल्लाह, और मेरी शुभकामना है कि ये बहुत कामयाबी हो इनको। अब अपने अजय जी हैं मेरे साथ, बहुत भले इंसान हैं, मथुरा के हैं, मथुरा वासी हैं, मथुरा वासियों का इज्जत करते हैं, ठाकुर जी के शहर के हैं, और बहुत हमें मथुरा से लगाव है, आज भी हमारे मथुरा में बहुत मकान है आपकी दुआ से, और हमारे यहाँ पर जो एक मोहब्बत कायम है मथुरा के अंदर, वो मालिक सब जगह रखे। और हम जयपुर के खास, आज के जमाने में हम जो जयपुर रहते हैं, जयपुर हमारा बहुत पुरअमन शहर है, और हम लोग जो है ना, दरअसल हमारा निकास मथुरा की तरफ से ही है, मथुरा से ही है, आज भी हमारी बुआ जी हमारे पूर्वजों के मकान है मथुरा में, तो मथुरा की धरती से हमें यूं भी लगाव है, और ठाकुर जी की हमें इस बात से तो बहुत ही प्रसन्नता होती है, हम बहुत ज्यादा उस धरती को जो है ना बड़ी जो है ना मुबारक समझते हैं, अच्छा समझते हैं सर गाने की बात करें तो कव्वाली ही होगी जी, ये कव्वाली होगी। सर, क्या रीजन रहा कि आप साबरी ब्रदर्स को लेकर इस गाने को कर रहे हैं? और बेसिकली जब मैंने पहली अपनी फिल्म बना रहा था, तो उस टाइम मेरा एक विचार था कव्वाली रखने का, क्योंकि आज के टाइम में नॉर्मली फिल्मों में कव्वाली आउट ही हो चुकी है, तो ज्यादातर नहीं होती, तो मेरा बहुत पहले से विचार था जब मैंने ओवर टाइम अपनी बना रहा था, तो उसमें भी हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहिल रियान जी थे, मैंने उनको भी बोला, उस टाइम एक कवाली हम बना रहे थे, तब से हमारा प्लान था कि हम साबरी साहब के साथ कवाली रिकॉर्ड करें, क्योंकि आज के टाइम में जो बेस्ट कवाल हैं इंडिया के वो जनाब हैं, और मैं चाहता था कि कोई जो भी करें तो एक बड़े आदमी के साथ अगर आशीर्वाद मिले तो शायद कामयाबी भी मिले और वो भी हो, बट बदकिस्मती से उस टाइम मैं उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सका, नहीं रिकॉर्ड कर पाए। पिछली फिल्म में भी मेरी फिल्म थी रणबंका, उसमें भी कोई स्पेस नहीं था, लेकिन इस फिल्म में मैंने स्पेस रखा कि कैसे भी करके मुझे कवाली रखनी है, और ये कवाली मैंने पहले ही बनाई थी, तो मैंने रखनी है और फरीद साबरी जी से ही रिकॉर्ड करानी है, तो काफी टाइम से हमारा चल रहा था, और भगवान की कृपा से आज मौका मिला, ये मेरे लिए की सौभाग्य की बात है कि आज मैं फरीद साबरी जी के साथ बैठा बिल्कुल हूँ, और इन्होंने मेरे इस गाने को, कवाली को गाने का हमारा जो एक रिक्वेस्ट हमने किया था उसको स्वीकार किया, और उसको मानकर आज इन्होंने यहाँ पर आने का कष्ट किया और ये पधारे हैं गाने के लिए, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं सर, चाहता हूँ कि फिल्म में आज नॉर्मली आजकल हिप हॉप वगैरह सब चलते हैं, मेलोडी और हिप हॉप, लेकिन साथ में कवाली भी, क्यों जो हमारा पुराना है वही चीज़ फिल्मों से आउट ये हो चुकी खास है। इंडियन कल्चर है हमारा, खास जो कव्वाली जो चीज़ है हमारे हिंदुस्तानी मौसीकी का एक बहुत बड़ा शाहकार है, जिसमें शायरी का फन भी है, गायकी का फन भी है, मौसीकी है, तो इसका सबका एक गुलदस्ता होता है कव्वाली। कव्वाली बहुत अच्छी एक
चीज है और थोड़ा इसके अंदर मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन लिखने में भी, गाने में भी, कंपोजिशन में भी। इसमें अगर मौसीकी, इंडियन मौसीकी से लगाव रखने वाले लोग जुड़े हुए होते हैं, वही इस चीज को समझ पाते हैं। सर पिक्चर की बात करें तो कब तक फ्लोर पे जाने का आपका? ये मेरा अगस्त में शूटिंग है, अगस्त एंड में, और मेरी कोशिश होगी कि नवंबर, 4 नवंबर को फिल्म को रिलीज करूं, कंप्लीट भी कर लूंगा कंटिन्यू एक शेड्यूल में, या तो 4 नवंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक में, मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक मैं फिल्म रिलीज करने के प्लान में हूँ। एक लाइन में बात करें तो फिल्म की मतलब कहानी क्या होगी? फिल्म जो बेसिकली टाइटल है अनन्या, अनन्या एक लड़की की कहानी है, और इससे ये फिल्म जो है एक सस्पेंस थ्रिलर है जिसमें रोमांस भी है और सस्पेंस भी है। बेसिकली सस्पेंस है लेकिन सस्पेंस के साथ रोमांस भी है, एक कॉम्बो है। स्टार कास्ट सब नए होंगे कि कुछ मार्केट के नहीं भी नहीं हैं? स्टार कास्ट में देखिए, इसमें नवी भंगू है जो अभी उनका सीरियल खत्म होने वाला है सूर्यपुत्र कर्ण, जिसमें वो अर्जुन का कैरेक्टर कर रहे हैं, और मेरी पिछली फिल्म रणबंका में भी उन्होंने एक प्रमोशनल गाना किया था, उससे पहले और प्यार हो गया अमृत मंथन को लीड किया था, और मदालसा शर्मा है इसमें मेन एक्ट्रेस, और एक और कैरेक्टर है इसकी मेरी बात चल रही है, वो अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, तो वो भी मार्केट के ही होंगे। बाकी और जो हैं कोई सीरियल से हैं, कुछ नए हैं। इस पिक्चर में गाने के इसमें टोटल 4 गाने हैं। थैंक यू सर। वेलकम। चेहरा बदल बदल के काम बदलेंगे, चेहरा वही है। तो बोल भी नहीं करते तो आगे भी नहीं बताया, मैं अभी शक्ल देखी मेरे यार, लेकिन कल आए थे भाग गए। अरे वो मेरी गाड़ी को सही करने है, उसमें लग गया काफी, अंधेरी वाले उठा के ले गए गाड़ी, डीएन नगर वाले। अरे बोलना क्या था ना मुझे, बोल देना चल फोन। नहीं हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। आइए अच्छा लगा आपसे। आपको ना फली फली साहब जी, आप ये ना देखिए, आपने देर ना हो जाए, एक मुलाकात जरूरी है। अच्छा, सारे गाने मेरे गाए हैं। अरे बाबा, अल्लाह अल्लाह तारीफ तेरी, अल्लाह अल्लाह। तो आप गीतकार जी? सिंगर होगा सर, सिंगर। अच्छा गुड, आइए। अगर इसको आपका कार्ड होता दीजिएगा। कार्ड अभी नहीं है, नंबर मैं देता हूँ। नंबर दीजिएगा, नंबर मैं देता हूँ। पहले तो अपना नाम आपके साथ दीजिए। मेरा नाम श्रुति नेगी है एंड आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। आप इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? मैं इस पिक्चर में सेकंड रोल प्ले कर रही हूँ, आई मीन सेकंड लीड प्ले कर रही हूँ, एंड हीरो की गर्लफ्रेंड का रोल मैं अदा कर रही हूँ। इसके पहले आप कुछ किए हैं? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट मूवी। आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी मच एक्साइटेड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं अजय जी को थैंक कहना चाहती हूँ, हु हैव सेलेक्ट मी, एंड आज उन्हीं की वजह से मैं ये मूवी कर रही हूँ, एंड रियली लाइक टू थैंक। मेरा नाम नंदनी बबन है, नागपुर से बिलोंग करती हूँ। जो मूवी में हीरो है उनकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड हो, ये रोल है। आप भी इस पिक्चर से डब कर रही हैं? आप भी इस पिक्चर से डबिंग कर रही हैं? Yeah. पहला फर्स्ट। आप इसके पहले कुछ किए हैं? सीरिया कुछ नहीं? कुछ नहीं किया, फर्स्ट। आप कितने एक्साइटेड हैं अपने रोल के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सतीश जी का थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे चूज किया है, और मीन्स ये रोल के लिए मीन्स आई डोंट नो। बस ये हम आशिता है, और मेरा नाम आशिता है, मैं मुंबई से ही बिलोंग करती हूँ, मैं हीरोइन की फ्रेंड हूँ। इससे पहले भी आप फिल्म में काम कर चुकी हैं? जी नहीं, ये मेरी पहली फिल्म। दादा ओके।
आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? जी बहुत बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मेरी पहली फिल्म है तो ऑब्वियसली मैं इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगी एंड आई होप ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगेगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मूवी के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अजय यादव, इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और बहुत बहुत हेल्पफुल हैं और आपको कभी ऐसा फील नहीं करने देते कि आपकी पहली मूवी है या आप बिल्कुल नए हो या आपको कुछ चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो हमेशा काफ़ी हेल्प करते हैं और आपको एक कैरेक्टर डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कोशिशें करते हैं। क्यों लगा कि आपको एक फिल्म करनी चाहिए? आपको आपकी कहानी सुनाई गई, आपके रोल के बारे में बताया गया तो क्या इंटरेस्टिंग लगा? हाँ जी, मैंने जब उस मूवी की स्टोरी सुनी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और एक सक्सेसफुल मूवी होने के कारण ये इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा कि आप देखना चाहते हो, आप और जानना चाहते हो कि और आगे और आगे और आगे क्या है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अच्छे बोल रहे हैं। कितने उससे करें, कब चालू करें? हमें तो ये खुशी हो रही है। थैंक यू। रोल क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ मैम, आप इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, कहानी क्या है आप बता सकती हैं दो लाइन में? दो लाइन में कहानी बहुत अच्छी है और सस्पेंस है और बाकी डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी, आप लोग खुद देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों लगा कि आपको ये पिक्चर प्रोड्यूस करनी चाहिए? मुझे ये प्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, दूसरी बार मैं इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करती हूँ, उनके लास्ट भी मैंने मूवीज देखी हुई हैं और इज वेरी गुड इन हिज जॉब, तो मुझे लगा कि करना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे पिक्चर को लेकर? मैं क्या कहना चाहूँगा, तो पब्लिक कहेगी जब मैं दिखाऊंगा। अरे मतलब कितने एक्साइटेड हैं शूट को लेकर? पीछे थोड़ा सा नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ बस। आज आपकी फिल्म की मुहूर्त है जी, और मेरी फिल्म का मुहूर्त खुशी की बात है कि इस फिल्म को, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि फरीद सावरी जी इस कवाली को गा रहे हैं और नॉर्मली आजकल फिल्मों में कवाली बिल्कुल ही आउट है, आती नहीं है, जो इंडियन कल्चर है वो म्यूज़िक में गाए भी हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये काफ़ी टाइम के बाद कवाली पब्लिक को शायद पसंद आए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो सबसे पहले कवाली मेरे काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है। सेकेंड थिंग मैं भी एक खुश हूँ कि मेरे साथ जो हैं सविता जी और हमारे आर एस यादव जी, जिन जिन्होंने सहयोग किया है ऑनेस्टली की। और जहाँ तक कहानी का सवाल है, कहानी तो अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लगती है, अपनी होती है, बाकी अच्छी होती तो बाद में पता चलता है, लेकिन मेरे लिए अच्छी। इस फिल्म में आइटम सॉन्ग भी होंगे क्योंकि आजकल आइटम सॉन्ग का जमाना चल रहा है? नहीं, मैंने उसको कल से चेंज किया है। सर आप किस तरह इस फिल्म से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, किस तरह इस फिल्म से जुड़े हुए हैं आप? मैं अजय जी के साथ जुड़े हुए हैं और नया कंसेप्ट है, कव्वाली डाली है, अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा पिक्चर बढ़िया जाएगी, अच्छी होगी। क्या विशेष देना चाहेंगे फिल्म के लिए? नहीं, वो तो पब्लिक देख के बताएगी सब, अभी तो अभी क्या बताएंगे हम लोग, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। सर आप बता दीजिए। सर मैं सतीश अग्रवाल, मैं इस फिल्म का लाइन प्रोड्यूसर हूँ। कहानी की बात करें तो क्या कहानी रहेगी? क्यों कहानी तो हम लोग रिवील नहीं कर सकते ना, आपको अजय जी से जैसे बोला ये सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री है, लेकिन एक लाइन तो कुछ नहीं, ये रिवील नहीं कर सकते हम। ओके थैंक यू। इनसे तो पैसे और उनकी बात है। सर इधर देखिए, अनीता सोचे क्या करूं मैं, काफी टाइम के बाद बहुत बिजी है, थकी हुई लग रही है, क्या बात है यार। बस आपने चक्कर काट करके फिर मेरे नाम ले रही है भाई।